नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कानपुर पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए चोरों ने अनवरगंज थाने के ठीक पीछे ही बंद घर का ताला तोड़कर नकदी और जेवरात समेत करीब 30 लाख का माल पार कर दिया। दरअसल लाटेश रोड निवासी राम प्रकाश गुप्ता LIC में एजेंट है। उनका घर अनवरगंज थाने की कॉलोनी के पीछे ही पड़ता है। उनकी पत्नी सरोजनी गुप्ता की बीमारी के चलते राम प्रकाश उन्हें लेकर करीब 8 माह से बेटी कल्पना के पास कोलकाता में रह रहे हैं। पड़ोसियों ने फोन कर उन्हें घर में चोरी की सूचना दी। उन्होंने बताया कि चोरों ने घर के बाथरूम के दरवाजा को काट कर चोरी की है। कल्पना ने बताया कि चोरों ने 1.5 लाख रुपए की नकदी, करीब 28 लाख रुपए के जेवरात समेत अन्य सामान पार कर दिया। अनवरगंज पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। इस संबंध में DCP RS गौतम ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर इलाके में लगे कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम कल्पना गुप्ता। क्या हुआ? हमारे घर में चोरी हुआ था। मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए थे, मेरे साथ माँ बीमार थी तो उनको लेके हम कलकत्ता गए हुए थे। 8-9 महीने से हमारा घर बंद था तो बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ के लोगों ने पूरा अंदर ही अंदर पूरा सब घर से सामान, नकदी और पैतृक जेवर बहुत सारा हमारे घर का था वो सब चोरी करके लेके गए हैं। लगभग कितने महीनों से बंद था? ये घर 9 महीने से बंद था। तो आपको जानकारी कैसे है? अभी पड़ोस में रहते थे, उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा कटा हुआ है। उन्होंने हमको खबर दिया तो हम तत्काल से तुरंत वहाँ से ट्रेन से कलकत्ता से कानपुर आ गए थे। तो चेक किया आपने क्या? हाँ, पूरा घर चेक किया भैया। पूरा घर में कोई भी जो सामान रखा हुआ तो कोई भी सामान नहीं है घर पे। लगभग कितना सामान? 35-40 तोला सोना था जो मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में भी चल रहा था ना, कि इस वजह से सामान को उठा के घर पे रखा गया था। अब माँ बीमार हुई इसलिए हम लोग को सो रखने का वो नहीं हुआ, इसीलिए अचानक चले गए यहाँ से। शिकायत करी? जी हाँ, थाने में FIR करवा दी है और मेरा FIR हो गया, दर्ज हो गया। अभी क्या हुआ है, कैसे? ये देखिए, लाटूस रोड अनवरगंज कॉलोनी क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ समय पूर्व चोरी हुई है इनके निवास में, और चोरी इनके हिसाब से जो इन्होंने बताया वो बहुत बड़ी है। तो उसकी जानकारी सबको यहाँ मिली है, पुलिस प्रशासन उसकी जांच भी कर रहा है। और ये जानकारी आपने जानकारी लोगों को कैसे दी? जानकारी भाई साहब, ऊपर जो इनके निवास के ऊपर रहते हैं उन्होंने इनके घर का में पीछे बाई तरफ जो टूटा हुआ है वो जब टूटा हुआ देखा तो इनको फ़ोन करके बताया, क्योंकि उन्हीं के पास इनका नंबर था। और जब उन्होंने बताया तो वो लोगों ने यहाँ आके अपना घर देखा, घर में देखा कि सब चीज़ें बिखरी हुई हैं। तत्काल उन्होंने पुलिस को 112 नंबर पर डायल करके पुलिस को बुलवाया। पुलिस ने आके इसकी जाँच भी करी है, लेकिन अब किसी भी प्रकार से पुलिस को कोई लीड मिल नहीं पा रही है। तो पुलिस अपने काम में लगी हुई है। क्या लगता है, घनी आबादी उसके बाद भी चोरी हो जाती इतनी बड़ी? देखिए, जो सच्चाई है कि ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र रहा कि यहाँ जल्दी कभी चोरी हुई नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा इलाका ऐसा इलाका है जहाँ चोर आने से भी घबराते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि परिस्थितियाँ क्या हैं, पर जो भी है वो ठीक नहीं है। चोरी के अनावरण हेतु ACP अनवरगंज के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, और जिन संदिग्धों के बारे में वादी द्वारा बताया गया है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। केस के शीघ्र अनावरण करने, अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने और माल की बरामदगी के संबंध में मेरे द्वारा निर्देश जारी किए गए।